तन धरती विच दबिए मस्तक परवाने वाट वटाऊ आख दे उठे इंद्राणी सब को शीस निवाइंदा चढ़िए चंद्राणे गोरख दे गल गोदड़ी जगनाथ वखाणे गुरु परचे गुरु आखिए सच सच सिंझाने गुरु दी परख सच है। भाई गुरदास जी सानू प्यार ना दसते है कि जो महान आत्मा प्रभु दी तरफों इस संसार विच आंदे है जिन्ना तो के आत्मा नूं आपदे पास बुलाउण दा कम लैणा हुंदा है प्रभु नाल जोड़न दा कम लैणा हुंदा है ओह बेशक भावें अंधेरियां कोठड़ियां विच बह के अपना अभ्यास कर लैण किसी भी थां हो लुके रहण जो मर्जी है वह अपाओ कर लैण क्योंकि बहुत महात्मा दी जिंदगी देखी गई है कि आम तौर उत्ते वो पहला घाटी देखने विच आउंदे है वक्त पैण ते वो जरूर प्रगट हो जाते हैं वो गुझे नहीं रहिंदे उहदी पछाण उहदे प्यारे आत्मा जरूर कर लैंदियां हन। पहला तुसी गुरु नानक दी मिसाल लै लो के पाई लैणा नूं उहनां ने काफी टाइम पहला ही कहता कि भी तू बैठ के आपदा आपके पिंड चलिया जा अभ्यास कर क्योंकि मेरे बच्चे तेन इस जगह जीवन जोड़न का कम नहीं कर देंगे क्योंकि बच्चे ये कहते सी कि साढ़े घर का यह टहल गया है ये किस तरह इस गुरगद्दी का मालिक बन सकता है बेशक वो पहले ही चले गए सन आपके पिंड लेकिन फिर भी बहुत सारे जिस तरह बाबा बुढ़ा ये उन्होंने सेवकों चो सी जिन्हें गुरु नानक तो नाम मिलिया होर भी बहुत सारे वो साथ रहे जिन्हों ने जाके गुरु अंगद देव को पछाणिया बेनती की कि तुसी नामदान का कार्यक्रम जरूर करो। ऐसा ही गुरु अमरदेव ना होया गुरु अंगद देव के पुत्रां ने दासू और दातू ने बहुत सारी विरोधता की इतों तक कि गुरु अमरदेव दे लत मारी लेकिन उन्होंने बुरा नहीं मनाया उन्होंने लत नूं कुटन लग पे कहने लगे साडा बुढ़ा शरीर है किते मता तुहाडे कोई हड्डी ना लगी होए दर्द ना होया होए गुरु अंगद देव दी जायदाद नूं चुप करके छड्ड के उधर जाके भी नहीं आपदे गुरु दी दा जो काम उन्होंने सौंपिया सीगा वह जाके गोविंदवाल उन्होंने शुरू कर लिया। इस तरह जदों अमरदेव का संसार तो जाण दा मौका आया उहदे पुत्रां ने डट के विरोधता की गुरु साहब ने सारे परिवार नूं आपदे पास सद लिया बिठा लिया कहण लगे भी किसे नूं इच्छा तां दसो उहनां दा लड़का मोहरी उठिया कहिंदा तो उठिया गुरु साहब ने की कीता उहदी धौण फड़ के रामदास दे गल पा अगे नवा दिता
कहन लग्या, देखो भाई बेटा, और मोहन नु श्राफ दे दिता, हालांकि संत ऐसा नहीं कर देंगे, लेकिन जब बच्चे अकाउंदे है किते ना किते मुंह जो वाक निकल जाता है, उन्हें कहते तू जड़दा ही रहेगा, उन्हें इत्थे छाती का रोग रहा सारी जिंदगी। जब गुरु अर्जन देव को उन्होंने नमस्कार की, फिर जाके उन्होंने कितने छाती की जलन सी जी बुझी सी। इस तरह आपने कहा कि बेटा ये जिहड़ियां गद्दियां हुंदियां हन या गुरता का कम करना हुंदा है, ये अपने आप दे अख्तियार नहीं हुंदा गा, ये प्रभु ने जिन्हों देनी हुंदी है, जी तो कम लेना हुंदा है, उहदी अमानत गुरु के पास हुंदी है, वह आपका पूर्व दिता ही लेंदे हुंदे है। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सी कि रूहानियत किसी फैमिली नाल नहीं बज्जी हुई, किसी गद्दी नाल या मकान नाल नहीं बज्जी हुई, या खास व्यक्तियों विच ही बज्जी नहीं हुंदी गी, ये तो प्रभु की देन है, प्रभु ही फैसला करता है। जिहड़े प्रभु के दरबार संत पहुँचते हैं उन्हां नूं ही पता है कि किहदे वास्ते हुक्म है, किहनूं देनी है। जो संतां दे अंदर ताकत कम करती है, जो शब्द प्रगट है, वो बेलिहाज हुंदा है, वो सब फैमिलियां नूं अपना समझदा है, सारी दुनिया नूं ही अपना समझदा है, उहदी किसे नाल लाग लपेट नहीं हुंदी गी, लेकिन वो उसे जी प्रगट करता है, आपदियां बरकतां लेके बैठता है, जिथे कि प्रभु का हुक्म हुंदा है, जेड़ा कि उन्हां दे मंडल तो आया हुंदा है, ये उन्हां ही महापुरशां नूं पता हुंदा है। मिस्टर रबराय महाराज कृपाल दे पिंड दे ही हन, इन्हां दे माता पिता भी उन्हां दे सेवक रहे हैं, ते शुरू चों ही फैमिली उन्हां दे नाल जुड़ी हुई है। पर उबराय साहब उन्हां दे निजी तौर दे उत्ते पास जांदे हुंदे सी, उन्हां दे निजी सैकटरी सन, और जदों महाराज जी काफी बीमार सन, इन्हां ने पुछया कि जी संगत नूं किस दे लड़ ला चले हो, महाराज ने उपर नूं हथ चुकिया, कहण लगे सच्चाई दा बी नास नहीं, वो अपने आप ही प्रगट होएगी, प्रेमी जेड़े है उसनू पछाण लेंगे। और मिस्टर ओबराय दे जो घरों है बीबी आतम और सरदार कुंदन सिंह ते जो करे सी, ये दोने सखियां पहना सन, ये महाराज कृपाल दे पास इस तरह रह के रहियां जिस तरह के मेरे पास बलवंत रही, उन्होंने ही उन्हों की शादी करी, सब कुछ उन्होंने करया। हुण असी अंदाजा ला सकते हैं कि जिन्हां दी संतां ने शादी भी करी होवे, पालन पोषण भी करिया होवे, वो कितने नेड़े हो सकते हैं। सारे आदमी पार्टियां च नहीं फसते होंगे, किसी प्रापोकंडे च नहीं फसते होंगे, जिवें महाराज ने कहा सी सच्चाई दा बी नास नहीं हुंदा गा। प्यारे बहुत सारे आदमी सच की तलाश विच भी हुंदे है, उस वक्त वो अपने मन नूं भटकण नहीं दिंदे, आत्मा नूं भटकण नहीं दिंदे गे, वो इंतजार की खोज विच हुंदे है। नौवें गुरु तेग बहादुर ने सारी जिंदगी बहुत सारा वक्त अपना एक भोरे दे अंदर, एक गुफा दे अंदर, जमीन दे अंदर बैठ के अपना अभ्यास किया। उन्हां वक्त दे विच उन्हां नूं तेगा कमला ही कहिंदे सन, किसे दी उह जाण पछाण दे विच नहीं सी, लेकिन जब गुरु हरकृष्ण का आखिरी टाइम आया, संगत ने पुछया कि सानू किहदे लड़ ला गए हो, वो कहन लगे बाबा बकाले, क्योंकि फैमिली दे लिहाज ना उन्हां दा बाबियां दे थां लगदा सीगा, और इन्नी कहन दी देर सी, सानू पता ही है कि फैमिली दे लोग की करदे है, जेड़े उन्हां दे फैमिली दे विचों सी उन्होंने बाई उत्थे जगह ला के मंजियां थाप लिया, बाई गद्दियां ला लिया, सब ने आपो अपने एजेंट रख ले कि तुसी साडा प्रचार करो, उन्होंने कहा साडा करो, क्योंकि असी लोग जेडे पेट पालक हुंने हैं, यह जा कम सानू थिया जावे, असी झूठ बोलनो कद ग्रेज करते हुए हैं, इस वास्ते
ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਢਿਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਚਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜੋ ਸੁਦਾਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸੁੱਖ ਸੁਖੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ, ਉਸਨੇ 500 ਮੋਹਰ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਐਸੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਚਿੰਗੜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਹੁਣ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਰਮ ਪਿਆ, ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੋਰੇ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਗਾ ਕਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਐਸੇ ਮੋਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਤਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਦੇ ਡੱਬੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਚਿਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾ ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਠੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਲੂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋ ਰੇ, ਜਦ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲਵਾਣਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਧੀਰਮੱਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਚਿਆਈ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪ ਰਸਲ ਪ੍ਰਕਿੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਸਤ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੀ ਉਹ ਸਚਿਆਈ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ? ਤੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਾਫੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਰਾਹੀ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਭਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਰਫ਼ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੀ ਹੈ ਮਸਤ, ਧੰਨ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਦਮਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਨੀ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਸ ਨਵਾਇੰਦਾ ਚੜੀਏ ਚੰਦਰਾਏ ਗੋਰਖ ਦੇ ਗਲਗੋਦੜੀ ਚ ਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦ ਦੂਜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਈ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗ ਦਾ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਗੋਦੜੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਨਾਥ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗਾ,
उसने प्रभु की भगती की सी, इस वास्ते जग का नाथ कहते सी। इसे तरह प्यारे हो गुरु अपना भजन करके प्रभु की भगती करके आपके अंदर आपके गुरु को प्रगट कर लेता है, गुरु ना प्यार पा लेता है, गुरु रूप हो जाता है, गुरु का मुख बन जाता है। जो गुरु बोलता है वो उही बोलता है। इस वास्ते आप कहते हैं वो भी छिपदा नहीं, वह भी प्रगट हो जाता है। तुसी सुखमनी साहब च पढ़ते हो, आठ पहर जो हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै। कबीर साहब कहते हैं भगती करे पताल में प्रगट होए आकाश। अगली पढ़ नंबर 21 वी ओगण। हो अपराधी गुनांगार, हो बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हूं, पर कर जो निंदक दुष्ट हराम खोर, ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वास काती एकत कण में को न रहंदा, सिमर मुरीदा टाडियां सत गुर बख्शंदा। आखिर दे उत्ते भाई गुरदास जी निम्रता दे विच चले जांदे हैं। इत्थों ये पता लगता है कि भाई जी ने किसे दी हीरखा करके ये नहीं लिखा सी जो पिछे दसे आए हैं, क्योंकि सानू पता है कि आपने जदों असीं किसे नूं मीसणा कहीए, निंद कहीए, हिंजड़ा कहीए, तो साडे अंदर और गुरुहीन कहीए सुते सिद्ध ऐसे अवगुण आने का डर हुंदा है। अपने आप नूं अच्छा कहना हंकार आ जाता है, भई मैं ही अच्छा है, बाकी सारे माड़े है। तो भाई गुरदास जी दसते हैं कि प्यारे हो, मैं किसी की निंदा नहीं करता गा, ना मेरी ये मंशा ही है निंदा करन दी, ना साड़ी कोई मंशा है इस दे उपर ऐसी भावना करके सत्संग देने की। आप कहन लगे मेरे विच ही अवगुण है। भाई गुरदास जी कहते हैं मैं अपराधी हैं, मैं गुनाहगार हैं, मैं गुरु तो बेमुख हैं, मैं मंदा हाँ, चोर यार जुआर हो पर कर जो हंदा, मैनू चोरी, मैं चोर हैं, जुआरिया हैं और पराए घरां नूं तकण वाला हूं। निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश, मैं निंदा करने वाला हाँ, दुष्ट हाँ, मैं हराम खोर हाँ, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार कर। आप कहते मैं कामी हैं, मैं क्रोधी हैं, मैं लोभ दे विच ग्रसिया होया है और मैं मोह दे विच ग्रसिया होया है, मैं अहंकारी हाँ। विश्वास घाती अकिरत कण मैं को ना रहंदा। आप कहते मैं विश्वास घाती हैं, मैं किरत कण हाँ, किसी के किते नूं जानन वाला नहीं, मैनू कोई आपके बूहे ते खड़न भी नहीं दे सकदा गा। भाई साहब दसदे है कि अगर कोई इतने अवगुण मूँह तो बयान करे, हालांकि असी सारे लोग ये ग्रसे होंगे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में असं ये दसते हैं कि दूसरे च अवगुण मेरे च कोई नहीं, मैं तो शरीफ आदमी है। कहन लगे जे कोई आके बूहे से साढ़े ये दसे मैं इन्ने ऐम किए ऐ भी हाँ, सानू कोई खड़न भी ना दे, फिर भी कहते सतगुर बख्शंदा। कहन लगे यही जेन फिर भी मेरे गुरु देव ने बख्शा लिया, बख्श दिता है। इस वास्ते प्यारे हो गुरु की भगती करो। सब मरीदा नूं उह उपदेश करदे आ कि एक गुरु ही है जिहड़ा साडे अवगुण पाप बख्श दिंदा है। गुरु नानक, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे। आप कहण लगे वह निर्गुणा नूं जिहदे विच कोई गुण नहीं गा, वह नाम देण लग्या वह गुनाहां कन्नी तकदा नहीं गा। महाराज कृपाल कहिंदे हुंदे सीगे कि गुरु एक धोबी दी तरह हुंदा है, धोबी दे पास जेंटलमैन का कपड़ा भी आता है,
तेली और हलवाई का भी आता है, ओनू अपने करतब के उत्ते माण हुंदा है, वह दोनों का कपड़ा ही खुशी खुशी लै लैंदा है। ओनू पता है कि इहदे अंदर भी सफेदी है, संतां नू भी पता है कि माया की दल के थले ते पापां के थले शुद्ध आत्मा भी छुपी हुई है। इस वास्ते वो खुशी खुशी सानू नामदान दे दिंदे है। साडा चश्मदीद वाकया है साडे इलाके का, महाराज जी गए, एक तो ऐसा आदमी हिंदू जाति दे विच सी जिहड़ा अपने आप नू इह कहिंदा सी मैं मीट नहीं खांदा, शराब नहीं पींदा गा, मैं सारयां नू अच्छा है, मेरे वर्गा सुचा सुचा है ही कोई नहीं गा। एक उत्थे वेस्या दा कम भी करदी हुंदी सीगी और जद महाराज दे पेश होए, अफसोस ना कहना पैंदा है कि उस औरत दे दिल विच किस तरह भगती का चाव पैदा होया। वो आपदे घर अंदर बैठी सी, कुछ आदमी उहदे नाल रंगरलियां मनाउण वास्ते आए हुए सन, साडा रात नूं सत्संग लग्या होया सीगा, उस तों एक कोई किलोमीटर दी विथ दे उत्ते वो रात नूं भजन सुणदी रही और उहनूं उत्थे भाळदे सीगे। वो बाहर नहर दे उत्ते आके उच्चे थां बैठ के भजन सुणदी रही, उहदे दिल नूं बड़ा ही चोट लगी कि मैं ये की कर रही हैं। तड़के वो जिसनों भी कहे कि मैनू ना संतां कोले लै चलो, कोई लियाउण वास्ते तैयार ना, क्योंकि हर आदमी जो शरीफ सी वो डरदा सी कि सानू भी लोग कहणगे कि ये भी बदमाश है। लेकिन वो अपने आप ही मेरे पास पहुंची कि आ जिहड़ी बाणी दी तुख तुसी रात बोलदे सो कि संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदकी भी तरे, कि वो तुहाडे गुरु दे मैनू पता लग्या है वो कदे आउणगे, मैं कहा हाँ आउणगे, जिद्दे आए मैं तैनू संदेश खुशी खुशी देवांगा। महाराज ने वो जिहड़ा हिंदू जाति दे विच आदमी सी बहुत अपने आप नू हंकार करदा सी कि मैं सच्चा सुचा हैं, उहनू नाम नहीं दिता, उस वेस्या नू नाम दे दिता। वो काफ़ी कस्बा बड़ा है, सब महाराज कृपाल की निंदा करन लगे कि उस विच पंडित च की नुख सी, इहदे विच की अशियाई सी जिहनू नाम दे दिता है। मैं उन्होंने कहा भाई देखो प्यारे ये वक्त दसेगा कि ये उही कम करती है या ये छड़ जाती है। मैं खुद उहदे घरे सत्संग दिता सीगा, अजकल तो दुनिया च है नहीं गी, जो उसने हराम की कमाई दे विचों प्राप्त किया सी सब ही उसने लुटा दिता और अपनी ही कमाई दे विचों वो जिन्ना चिर जिउंदी रही गुजर करती रही। हुणे तुसी देख सकते हो कि महाराज ने आपदी निंदिया करा ली, लेकिन उसने जरूर प्रभु की भगती का दान बख्शिया, उहदे सारे ऐब जितने सी वो सब खुशी खुशी उन्हें आप छड्ड दित्ते। प्यारे हो मैं दसदा हुंदा कि जद असी फैले हुए ख्याल नूं अखां दे पिछे लिआउने आ, शब्द नाम दे नाल जुड़ जाने हैं, ये तो नीचे मंडलों वालों नूं भी पता लग जाता है कि असी कितने कितने ऐब करते हैं, असी किन्या किन्या जामिया दे विच फिरे हैं। उपर जाके तो बिल्कुल ही साफ किताब की तरह खुल जाता है, पता लग जाता है कि असी संसार विच पता नहीं किस जामे च की कीता किस च की कीता। एक गुरु ही सी सानू साफ और प्योर बनाउण वाला, पापा तो बख्शन वाला, होर कोई ताकत ही नहीं कि जिहड़ी सानू बख्श दिंदी। सुबह तुसी भजन बोलदे सी गुरु बाणी दा, जिहदे विच हम मैले तू उजल करते हम निर्गुण तू दाता, तू भला करे मैं भला नहीं जानदा गा, और मैं पापी हैं तू पापा नू खंडन वाला है, सारे अवगुण गिण के आखर ते यही कहिंदे सी मैनू संतां दे पिछे ही बख्श लै, मेरा संतां नाल प्यार है। कबीर साहब कहिंदे है बुरा देखण मैं गया बुरा ना मिलिया को, जब देखिया दिल अपना मुझसे बुरा ना को। प्यारे ओ संत बुरे नहीं हुंदे, ओ तां बुरियाईयां छडाउण वास्ते हुंदे है, सिर्फ ये सानू नमूना दिंदे है कि प्यारे हो तुसी किसे दी निंदिया ना करो, किसे दी आलोचना ना करो और किसे दे नाल टांच ना करो। सब तो पहला आपदे ही अवगुण देखो, आपदे ही ऐब देखो, फिर ऐब देख के भी फरियाद करो कि हे गुरु मैनू बख्श लै। वो नाम रूप महात्मा सिर्फ सानू समझाउण वास्ते सानू निम्रता सिखाउण वास्ते ही इन्ने इन्ने छोटे लफ्ज आपदे वास्ते वरत लैंदे है
कि कम से कम साढ़े भुलड़ मन से किते ना ये किते ना किते असर होवे कि साढ़े को गुण नहीं और असी मन माया दे कैदी हैं विशां दे भोगों च लिबड़े हुए हैं। फिर असी किड्डे किड्डे हंकार करते हैं, सारा दिन दूसरे की निंदा आलोचना करन ते लगे पे हैं कि उहदे च इन्ने पाप है, मैं तो बहुत सारा पुन्नी है। असी आपदे गुणा का इजहार करते हैं, दूजे दे असी औगुणा का लोगों को प्रचार करते हैं। महात्मा का यही पहुंचे की लेखनी पढ़ने तो पता लगता है कि यह पहुंचया है। ऐसे महात्मा सबना प्यार करते हैं, कदे भी संत महात्मा ना खुद निंदा कर ना आपके सेवकों को हुक्म देन कि तुसी ओहदी आलोचना करो ओहदी निंदा करो। महाराज सावन सिंह कहिंदे हुंदे सी कि जिहदी तुसी निंदा करदे हो आलोचना करदे हो ओहदे पाप तुहाडे खाते जमा हुंदे आ, जिहड़े साडे पुन हुंदे आ ओहदे च जाके जमा हुंदे आ जिहदी असी निंदा करदे हां। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सी भाई गुरदास जी, आपके गुरु के चरणों में पहुंचे हुए सन, सचखंड पहुंचे हुए सन। उस सिर्फ साढ़े समझाने वास्ते ये लिखा है कि प्यारियो तुसी गुरु की भगती करो, गुरु ही एक ऐसी ताकत है जेड़ा कि पापियों नूं बख्शदा है, बख्शदा आया है। सानू भी चाहिए है, असी काफ़ी सारे तीन चार सत्संग इसते हुए है, असी किसी वास्ते बुरी भावना ना रखिए, अपने गुरु ते भरोसा लेइए, नाम जपिए, क्योंकि गुरु का एक प्यार ही ऐसा है जिहड़ा सानू दुनिया का प्यार घटाउण दे विच मदद कर सकता है। प्रसाद भी बांटना जी बांट दिया।